दोस्तों, आज आपको करनाल के पुराने घर दिखाते हैं। शीशे वाला घर, पुरानी हवेली, पुराने निवास स्थान जो आज काफ़ी बदल चुके हैं। कहते हैं कि जब पुराना समय हुआ करता था, आज से आप 70-80 साल पुरानी बात करें तो इन घरों की जो रिहाइश होती थी वो अपने आप में अलग होती थी। दूर दूर से लोग इन घरों को देखने आते थे। करनाल में पुरानी हवेलियां भी रही है, पुराना दौर भी रहा है, क्योंकि 1947 से पहले करनाल नवाबों की हुकूमत में रहा करता था। यहाँ जो करनाल के पुराने शहर में, जहाँ आजकल आबादी यहाँ से बाहर जा रही है, इसी शहर में पुरानी हवेलियां, पुराने बड़े बड़े मकान हुआ करते थे। आज भी कुछ हवेलियां पुराने मकान हैं, आज भी पुरानी गलियां वैसी की वैसी बरकरार है। लेकिन इन पुराने मकानों को देखिए, किस तरह से इनकी सुंदरता, इनकी चकाचौंध आपको प्रभावित करेगी। किस तरह का माहौल हुआ करता था करनाल में, किस तरह के घर हुआ करते थे, आप सोचिए कि शहर कितना बदल गया। आज करनाल की इन पुरानी भीड़ी गलियों में कोई रहना नहीं चाहता। जो पुराने बुजुर्ग है वो ही यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो शहर या सेक्टरों में जाकर रिहाइश बना रही है या रिहाइश ले रही है। लेकिन पुराने समय में यही करनाल का हिस्सा हुआ करता था। इन पुराने गेटों के अंदर ही करनाल का शहर बसा करता था, करनाल की आबादी रहती थी। कुछ हजारों की आबादी आज लाखों में बन गई है, कल यही आबादी शायद और आगे बढ़ जाए। लेकिन पुराना शहर हर बारी बदलता गया। लेकिन आज भी उस बदलाव की जो निशानियां हैं वो इस पुराने शहर में आपको दिल जाएगी। आपको नवाबों के राज की हुकूमत के बारे में भी इस पुराने शहर में पता लग जाएगा, अंग्रेज़ों का दौर भी पता लग जाएगा, और उससे पुराना यानी कि महाराजा करण, राजा करण की नगरी करनाल, जिसको हम जानते हैं राजा करण के नाम से, उनका भी एक ऐतिहासिक पार्क कह लीजिए, एक ऐतिहासिक धरोहर आपको यहाँ दिख जाएगी। लेकिन शहर आगे बढ़ता जा रहा है और बदलता जा रहा है। लेकिन आज भी पुराने शहर में और पुराने लोग, पुराने बुजुर्ग आज भी उस पुराने शहर, पुराने करनाल को याद करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए पुराने शहर की गलियां, पुराने शहर के घर और पुराने शहर का बाज़ार कैसा हुआ करता है।